పట్టణంలోని రూబీ ఫంక్షన్ హాల్లో బుధవారం టీఆర్ఎస్ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం సోదరులకు ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అలీముద్దీన్, టీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ సంజయ్లు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ అన్ని వర్గాల ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు దేవేంద్ర నాయక్, గట్టు సతీష్, దవ సురేష్, లియాఖత్ అలీ, మోహ్సిన్, ఆరిస్ ప్రభాత్తో పాటు నాయకులు, కార్యకర్తలు, ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. اللہ رمضان کے بعد میں تمام عبادتوں کو بے انتہا قبول فرما اللہ کو رمضان کی روز سے تراویح عبادت تمام چیزوں کو بے انتہا قبول فرما یا اللہ ہم سے غلطیاں ہمارے جان جان کر اس غلطیاں کی کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ جان کر کے نا جان کے اس کو معاف فرما یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما మామయ్య आज टीआरएस जगत्याल यूथ विंग के तरफ से यहाँ जो हमारा मुसलमान भाइयों के लिए रमज़ान के महीने में इफ्तार अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के नाते हमारा रेडको चेयरमैन अलीम भाई इस्लामाबाद से आया और भी इसमें शामिल हुए बहुत सा यहाँ के हमारा सदर साहब और मुसलमान भाइयों को सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रमज़ान के महीने में आप सब रोज़ा रह के अल्लाह से रोज़ दुआ मांग के ये बरकत वाले महीने में
अल्लाह अपन सबको अच्छा रखना, बल्कि जो आप दुआ मांग रहे हैं उससे अपना तेलंगाना और सारी दुनिया अच्छा रहना, बल्कि आप दुआ मांग रहे हैं जरूर अच्छा रहेंगे और अल्लाह के दुआ अपने ऊपर रहेंगे। मैं आप सब यहाँ आने के लिए आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रमज़ान महीने का मुबारक भी पेश करता हूँ। हमारा MP कविता बहन, आपको मालूम है अपने जगत्याल कॉन्स्टिट्यूंसी के तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और अपना KCR साहब तो आप सब लोगों को गंगा जमुना तहजीब समझ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों को अच्छा साथ ले जा रहे हैं। और इस महीने में जो इफ्तार किसी सरकार में कर रहे थे, इससे पहले एक मस्जिद में करते थे, अब 4 मस्जिदों में पोलास रायकल और जगत्याल में भी 2 मस्जिदों में सरकार की तरफ से भी 4 इफ्तार दावतें हैं, वो आप सब शामिल होना, बल्कि आप सबसे गुजारिश करता हूँ। और हम TRS पार्टी से, मैं और MP मैडम, हमारा कार्यकर्ता पूरा, जो हमारा TRS माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, टाउन प्रेसिडेंट मोहसिन भाई, अमीन भाई, हम सब भी आपके खिदमत के लिए तैयार है। कभी भी कुछ काम है तो जरूर अपन सब मिलजुल के करेंगे। एक अच्छा जो माहौल अपने तेलंगाना में बन के है, हिंदू मुसलमान सब मिल के, अपन भी यहाँ जगत्याल में सब मिलजुल के रह के एक अच्छा डेवलपमेंट ये टाउन और कॉन्स्टिट्यूंसी को करेंगे, बल्कि होते हुए मेरे को ये मौका दिया ऐसा हमारा TRS यूथ विंग और आपका माइनॉरिटी लीडर्स पूरे को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज आली जनाब इज्जत माप डॉक्टर संजय साहब और आज के इफ्तार का एहतमाम किए जगत्याल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट TRS यूथ सुरेश साहब, हमारे मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन मोहसिन भाई, जगत्याल के मेरिडिसल प्रेसिडेंट जयद भाई, बाबा तार पार्टी का जो एहतमाम किया गया है यहाँ के यूथ TRS प्रेसिडेंट सुरेश साहब की तरफ से, ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब है, ये तहजीब कुछ हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के अंदर पूरे हर यहाँ तक के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर पूरे निजा तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 18 तारीख को इफ्तार का शाम का अहतमाम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये 70 सालों में पहली बार ऐसा तेलंगाना के अंदर हो रहा है और यहाँ के जितने तेलंगाना के मस्जिद है, मस्जिदों के अंदर 5,000 से लेकर 10,000 तक मस्जिदों की सफाई के लिए दिया गया है और यहाँ के मस्जिदों के इमामों को भी